हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज फिर आप सभी के लिए एक और बहुत बढ़िया काम लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के व्यापार के बारे में बताएंगे, एक ऐसे काम के बारे में बताएंगे जिसको आप बहुत ही कम पैसे में शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, इस काम को करने के लिए आपको कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसी काम से आप डेली के 1000-2000 रुपये अपने गांव में रहकर ही कमा सकती हो। बस 1 से 2 घंटे काम करने हैं और इस काम को करके आप दिन में 2 से 3 हजार रुपये कमा सकती हो। तो कैसे काम करना है, वो कौन सा प्रोडक्ट है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप हमारे हाथ में देख पा रहे होंगे ये बड़े बड़े बॉक्स, आप देख पा रहे होंगे ये बड़े बड़े बॉक्स। एक देखिए, ये बॉक्स है, इस पे लिखा है बटर बटर। दोस्तों, दूसरा बॉक्स ये है, देखिए। आपको लगता होगा, शायद शायद आपको लगता होगा कि ये वीडियो बनाने के लिए खाली बॉक्स ही दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ए बॉक्स ए, देखिए, वीडियो बनाने के लिए कोई इतने बड़े बड़े बॉक्स लेकर नहीं आएगा। इसमें हम जो भी बताते हैं रियल बताते हैं, हकीकत बताते हैं। अब पहले आप इसमें देखिए कि इसमें है क्या, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका प्लान, इस बिजनेस का प्लान कि कैसे आपको इसका बिजनेस शुरू करना है। तो दोस्तों, जो पहला बॉक्स है इसमें है क्रीम वाला बिस्किट। ये सारे बॉक्स बिस्किट के हैं, तो आपको पता होगा कि बिस्किट का मार्केट कितना बड़ा है। इसमें सारे बिस्किट हैं। इस जो ए बॉक्स दिख रहा होगा, इसमें ये ऑरेंज कलर का क्रीम बिस्किट है। दूसरा हम बॉक्स दिखा रहे हैं हम आपको, दूसरा बॉक्स ये है, इसमें ये दूसरे फ्लेवर का क्रीम वाला बिस्किट है। दोस्तों, ये बॉक्स हम साइड में रख देते हैं, इसके बाद मैं आपको तीसरा बिस्किट दिखा दें, इसमें ये बटर है। मैं कोई हवा हवाई में बात नहीं करता, जो भी बिजनेस आइडिया या बिजनेस प्लान जो लाता हूँ वो बिल्कुल रियल होता है, हकीकत होता है। दोस्तों, मैं आप सबको भी बेवकूफ़ बनाकर कहाँ जाएंगे। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे जितने भी बॉक्स लाते हैं ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं लाते, इससे हम भी काम करते हैं, तब जाके हम आप लोगों को बता पाते हैं। तो आपने देख पा रहे होंगे कि हम जब इतने बड़े बड़े बॉक्स खरीद कर लाए हैं तो ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए तो लाए नहीं होंगे, इससे काम करते होंगे तब जाके तो ये हम लाए होंगे। तो दोस्तों, अब आप समझ लें कि हम बिस्किट का व्यापार कैसे कर सकते हैं। आज हम आप लोगों को बिस्किट का ही व्यापार बताने आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बिस्किट का व्यापार बताएंगे जिससे आप डेली 2000 रुपये तक कमा सकते हो। तो कैसे आपको करना है, कहां से माल खरीदना होगा, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो दोस्तों, आपने ये तीनों फ्लेवर के बिस्किट देख लिए, अब बिस्किट का मार्केट कितना बड़ा है ये आपको भी पता होगा। बूढ़े से लेकर बच्चे तक हर एक एज का लड़का लड़की बिस्किट खाना पसंद करता है। अगर हम बिस्किट को बिजनेस के नज़रिया से देखें तो इस बिस्किट से ही हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आपको ना तो कहीं घर पर तैयार करना है और सिर्फ सिर्फ होलसेलर से खरीद कर लाना है, जितना आपके पास बजट है। आज हम आप लोगों को 2 लाख रुपए में बिजनेस शुरू होने वाला बताएंगे कि दो लाख रुपए में आप कैसे काम शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, बिस्किट की बात करें तो बिस्किट को व्यापार शुरू करने के लिए आपको कम से कम 2 लाख रुपए का तो पूंजी आपको चाहिए ही चाहिए है, अगर आप बड़े लेवल से करना चाहते हो। अगर छोटे लेवल से करना चाहते हो तो आप मात्र 50,000 से शुरू कर सकते हो। तो पहला जो लेवल है वो है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर ये बिस्किट तैयार होते हैं उस कंपनी से आपको संपर्क करना होगा। ऐसी तमाम कंपनियां हैं जो आपको बिस्किट, तरह तरह के बिस्किट प्रोवाइड करावा देंगे। तो जिससे आपको दो मिनिमम ऑर्डर आपको
150,000 या 2,00,000 रुपए का देना होगा। जब भी हम बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं, उनसे बात करते हैं किसी भी व्यापार की, तो मिनिमम ऑर्डर हमें अच्छा खासा देना होता है। अगर आपके पास 2,00,000 रुपए हैं तो 2,00,000 रुपए का आप बिस्किट का व्यापार शुरू कर सकते हो। आप इस बिस्किट को व्यापार को इस तरह से शुरू कर सकते हो, जैसे कि आपको जरूरत पड़ेगी एक दुकान की जो रेंट पे आपको अपनी मार्केट में लेनी होगी। जैसे आपका जो ब्लॉक लेवल पे जो मार्केट है या फिर जहां बाजार लगता है, जहां भीड़ भड़क्का होती है, उस जगह पर रेंट पे एक कमरे की जरूरत पड़ेगी जिसमें अपना जो स्टॉक है, जो आप माल मंगवाओगे वो वहां पे रख पाओ। तो वहां पे आपको एक कमरे की जरूरत पड़ेगी जो आप रेंट पे ले सकते हो। 3,000 रुपये पर मंथ का जो रूम होगा वो मिल जाएगा। एक दुकान है वो 3,000 रुपये महीने या 4,000 रुपये महीने की मिल जाएगी। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमें 5,000 से 6,000 रुपये एक रूम एक के दुकान के देने पड़ेंगे। तो आप छोटे से लेवल से शुरू कर रहे हैं तो पहले आप छोटे छोटे मार्केट को देखिए। जो आपके पास जो छोटी छोटी मार्केट है उस मार्केट में एक रेंट पर दुकान लीजिए। इसके बाद आप इन बिस्किट की कंपनियों से संपर्क करिए। बिस्किट का जो भरपूर माल एक गाड़ी मंगवाइए। गाड़ी मंगवाने के बाद दुकान में अपने जो स्टॉक के रखे हुए हैं वहाँ पे आप जो दुकान है किराए पे लिए हैं वहाँ पे स्टॉक में आप रखिए। इसके बाद प्रचार प्रसार के लिए आप थोड़ा सा पर्चा वगैरह छपवा के अपने गांव, नज़दीक के गांव या छोटी छोटी दुकानों पे आप संपर्क या उनको बांट सकते हो पर्चे। उस पर आप लिखवाइए कि हम बिस्किट का होल सेलिंग का काम शुरू कर दिए हैं, आप हमसे आकर संपर्क करिए, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के बिस्किट हम आप तक प्रोवाइड करवाएंगे और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में। तो इस पेटी की बात करें, जब अगर आप एक दुकानदार को इस पेटी को बेचोगे तो आप इस पेटी से करीब 40 रुपये कमा सकते हो। एक पेटी से 40 से 50 रुपये कमा सकते हो, क्योंकि इसमें 12 पैकेट होते हैं। एक पैकेट में हम आपको बता दें, एक पैकेट में 2, 1, 2, 3, 4, 5, 10 बिस्किट होती है। तो दोस्तों अगर ये 12 पैकेट की बात करें तो एक पेटी में 12 पैकेट हो गए। आपको पैकेट की तरफ पैकेट से अगर आप बेचोगे तो पैकेट से बेच सकते हो, लेकिन अगर आप दुकानों पे सेल पेटी की पेटी सेल करोगे तो एक पेटी पे आप 50 रुपये कमा सकते हो। 50 रुपये कमा सकते हो। दिन में अगर 40 पेटी भी सेल हो जाती हैं तो आप 2,000 रुपये कमा सकते हो। 1,000 रुपये आपका खर्चा हो गया और जो किराए रूम वूम सारी चीज़ों का, जो रेंट वेंट पे जो घूमने मान लें कि अगर आप डेली के 2,000 रुपये भी कमाते हो तो महीने की बात करें तो महीने में आप 60,000 रुपये कमाओगे। 60,000 रुपये महीने में कमाओगे। महीने का खर्चे की बात करें तो आपका 4,000 किराए का हो गया और 2,000-4,000 एक्स्ट्रा, फिर भी आप 50,000 रुपये महीने के इस बिजनेस से कमा सकती हो। अब बात कर लेते हैं कि हम इसको 50,000 रुपये में कैसे शुरू करें। तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मार्केट होते हैं उन मार्केटों में जो होलसेलर होते हैं उनसे जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। उनसे संपर्क करने के बाद आप ऐसे तमाम बिस्किट आते हैं जिनकी आप इन पेटी की पेटी उठाकर, जैसे कि जैसे बड़े होलसेलर की बात करें ऐसी छोटी होलसेलर भी होती हैं जो ये छोटी छोटी पेटी, जैसे हमने आपको बताया कि पहले बड़ा लेवल में कैसे कर सकते हो छोटे, उससे छोटे में जैसे जो दुकानदार हैं उससे आपने होलसेलर में ये छोटी छोटी पेटी खरीदी 10 से 20 पेटी, इसके बाद इनको पैकेट पेटी की ले जाकर जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, छोटी छोटी गली मोहल्ले की दुकानें होती हैं उन पर जाकर सेल कर सकते हो। एक पैकेट की बात करें इस पैकेट पे आप 10 रुपये कमा सकते हो। इस एक पेटी से आप 120 रुपये कमा सकते हो। सिर्फ आपको 12 पैकेट बेचने हैं तो 120 कमा सकते हो। इस तरह से अगर आपने दिन में 10 पेटी भी बेच दिए, दिन में सिर्फ 10 पेटी भी बेच दिए तो 10 पेटियों से आप 1,000 रुपये से भी ज़्यादा आप इस बिजनेस से कमा सकते हो। बस और 10 पेटी बेचना कोई मुमकिन मतलब नामुमकिन की जैसी बात नहीं है। कोई 10 पेटी आप आसानी से
बेच सकती हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं बिस्कुटों के बारे में, बिजनेस के बारे में बताने आए थे। तो आज की ये वीडियो आपकी हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। दोस्तों हम अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही छोटे छोटे बिजनेस आइडिया, छोटे छोटे बिजनेस टिप्स लाते रहते हैं, जो आप सबको मोटिवेट करते हैं और अच्छा पैसा आप भी कमाइए और हम भी कमा रहे हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए